पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया का मतलब जो डिजाइन अभी इधर आपको देखने को मिल रहा है, तो इधर गेस्ट बिल्डिंग एरिया, आपका जो बाथरूम जो इसका प्लॉट एरिया, इधर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आपको आप ऐसे डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर पूरा ऐसे डिजाइन बनाएंगे तो आपको अच्छा एक डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो फाइनल ऐसा एक डोर रहेगा, मेन गेट, क्लोजेबल गेट इस्तेमाल कीजिए, ओके, क्लोजेबल गेट। उसके बाद इधर भी एक आर्च ओपन रहेगा, तो इधर फोर, इधर पेयर, पी आर ए वाई आर, पूजा घर, इधर ड्रॉइंग, इधर डाइनिंग, किचन, कॉमन बाथरूम प्लस लैट्रिन, बेडरूम, उसके बाद इधर बेडरूम, इधर अटैच बाथ प्लस लैट्रिन, बेडरूम, स्टेयर, इधर सिट आउट प्लस वरांडा। तो इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद हमें जो फाइनल डिजाइन इधर मिलता है, तो उसके अंदर हम इसका डिटेल, इसका मतलब इसका जो मेजरमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो बेडरूम है इधर 11 feet 0 inch and 12 feet 0 inch, 8 feet 10 inch and 12 feet 0 inch, bed come study room, bathroom latrine 4 feet 6 by 7 feet, उसके बाद इधर 7 feet 7 inch by 4 feet 6 inch, नेक्स्ट इधर 8 feet by 8 feet एरिया, उसके बाद इधर बेडरूम 11 feet 0 inch and 13 feet 0 inch, उसके बाद ड्राइंग डाइनिंग ड्राइंग एरिया 13 feet 9 inch by 11 feet 10 inch, पूजा घर 4 feet by 6 feet, ओके, 6 feet 0 inch वाइड बरामदा, इधर पोर्च एरिया, उसके बाद स्पेयर, सिक्स फीट फाइव इंच वाइड, 3 feet, बाकी जो इधर डिस्टेंस एट फीट फोर इंच, ओपन स्पेस कंप्लीट, इसके बाद कॉलम। तो इधर हम कॉलम, तो कॉलम हम इधर कोशिश करेंगे 10 by 12 inch का कॉलम इधर ऐड करने के लिए। तो आप चाहे तो आप इसके अंदर 10 by 12 inch का कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना हो सके हम इधर डिजाइन किया है, तो बाकी डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, आप एक बार डिजाइन देख लीजिए। उसके बाद इसका जो टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आएगा, देखिए बिल्डिंग एरिया तो आपको इतना मिल रहा है, टेन बाय ट्वेल्व इंच, बिल्डिंग कॉस्ट 16 lakh plus, wall
5 इंच वाइज हमने इधर इस्तेमाल किया है। तो आपको प्लान डिजाइन और इसका डिटेल्स पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं।